हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडिया के न्यूएस्ट अपकमिंग रीजनल एयरलाइन के बारे में, जिसका नाम है फ्लाई 91। गूगल पे सर्च करने पे मुझे ये दिखा कि मोस्ट लाइकली दे विल बी स्टार्टिंग ऑपरेशंस इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, एंड लिंक्डइन पे उनके रीसेंट पोस्ट के हिसाब से दे हैव स्टार्टेड रिक्रूटिंग सीनियर कैबिन क्रू मेम्बर्स एंड फ्रेशर कैबिन क्रू मेम्बर्स। फ्लाई 91 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू मेंबर मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और आपको अप्लाई कैसे करना है टू बिकम अ कैबिन क्रू इन फ्लाई 91, वो भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी कि अगर आप एक फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए, अगर आप एक मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। आप इंडिया के किसी भी सिटी या स्टेट से आते हैं, आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी इंटरव्यू हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, तो आपका जो बेस होगा इट विल बी एज ऑफ नाउ जो भी पब्लिकेशन में मैंने देखा है बेस होने वाला है गोवा में, ठीक है। सो इफ़ यू आर रिक्रूटेड बाय फ्लाई 91 द बेस विल बी गोवा एज ऑफ नाउ। मे बी दे विल चेंज लेटर, मे बी दे विल एक्सपेंड द ऑपरेशन एंड हैव मोर बेसिस इन फ्यूचर, वी डू नॉट नो, बट एज ऑफ नाउ द बेस दैट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड इज गोवा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप एक फ्रेशर कैबिन क्रू है, यू शुड बी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 27। अगर आप फीमेल है तो भी, मेल है तो भी, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, यू शुड हैव 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। कोई मिनिमम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं मैंशन है, यू शुड जस्ट हैव 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम एनी स्ट्रीम, वेदर इट्स साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इसके अलावा यू शुड बी एन इंडियन नेशनल विथ अ पासपोर्ट स्लैश दिया है और आधार कार्ड, ठीक। के अलावा हाइट क्राइटेरिया है, यू शुड बी मिनिमम 155 सेंटीमीटर टॉल, वेट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू BMI, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। इफ़ यू नो अनदर लैंग्वेज इट इज़ एन एडेड एडवांटेज। ये इनके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ फ्रेश कैबिन क्रू। अगर आप एक सीनियर कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो यू शुड हैव a current SEP card validity with at least 2 endorsed recurrence, and if you are specifically trained on ATR, it is an added advantage in sub eligibility criteria ke alawa. तो अब हम बात करते हैं आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आपके पास होना चाहिए आपका फुल लेंथ फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड आपका अपडेटेड CV। अब हम बात करते हैं आपको अप्लाई क्या करना है। आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल फ्लाई 91 के ईमेल ID पे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको सब्जेक्ट लाइन में, अगर आप एक फ्रेश कैबिन क्रू है तो सब्जेक्ट लाइन में फ्रेशर कैबिन क्रू लिखिए, रीसेंट फुल लेंथ फोटोग्राफ, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपना CV, ये सारी चीज़ें इस ईमेल ID पे सेंड कीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको फ्लाई 91 से एक रिप्लाई आएगा एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज विल हैपन आफ्टर दैट इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर फ्यूचर cabin crew job related content. Thank you very much. Goodbye.